हेलो, आवाज आ रही सभी को? हाँ गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वगैरह बताया था ना, उसी को आगे यूज करेंगे टाइट्रेशन वगैरह में। तो पहले हम यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड देन रिडॉक्स टाइट्रेशन पर चलेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। ओके, सो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं।
ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है क्लियर सभी को? ओके सो जैसे हमने बताया हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी रिडॉक्स टाइट्रेशन लेंगे, बट उससे पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कराएंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O, तो देखो ये क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या है। तो देखो 1 लीटर H2O2 जो है, H2O2 क्या लिक्विड है, ठीक है। सब H2O2 क्या है, डिसोसिएट होकर H2 और O2 देता है। तो 1 लीटर ऑफ H2O2 जो है वो NTP पर कितना लीटर ऑक्सीजन दे सकता है, वो ही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा। ओके सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 इसमें लीटर में प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर ऑफ, अच्छा वॉल्यूम ऑफ O2 इस पर NTP पर, वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर एट NTP प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर ऑफ H2O। 1 लीटर ऑफ H2O2 जो है वो O2 का कितना लीटर देगा NTP पर, वो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा इसका H2O2 का। तो अब देखो जैसे हमने बताया H2O2 जो है वो क्या, लिक्विड, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है ये, एंड ये देता है H2O लिक्विड प्लस O2 ऑन डिसोसिएशन। तो देखो अब यहाँ पर इसका हमने 1 लीटर लिया है, ठीक है, मान लो इसका हमारे पास x मोलार कॉन्सेंट्रेशन, H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, x मोलार। यस निखिल दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो मान लो H2O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है x मोलार, तो 1 लीटर सॉल्यूशन है और x मोलार उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने एज्यूम कर लिया, तो ये कितने मोल्स आ गए, x मोल आ गए क्या, है ना, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स। तो x मोल आ गए हमारे पास H2O2 के। अब देखो जब ये रिएक्शन होगी तो 1 मोल से कितना मोल बनेगा O2 का, यार हाफ मोल बनेगा ना, 1 मोल ऑफ H2O2 जो है उससे क्या बनेगा, हाफ मोल ऑफ O2 बनेगा, ठीक है। सो x मोल से कितना बन जाएगा, x बाय 2 मोल बन जाएगा, क्लियर है। और देखो x बाय 2 मोल ऑफ O2 आ गया, अब x बाय 2 मोल ऑफ O2 का NTP पर वॉल्यूम क्या होगा यार, इट शुड बी x बाय 2 × 22.4 लीटर, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं 11.2 × x लीटर। ओके सो 1 लीटर ऑफ H2O2 ने इतना लीटर O2 बनाया, 11.2 × x लीटर, और यहाँ पर x क्या है, x इज नथिंग बट H2O2 का मोलरिटी, ठीक है। सो 1 लीटर ऑफ H2O2 से इतना लीटर आ गया O2, तो यही तो डेफिनेशन बोलती है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 से कितना लीटर O2 आएगा एट NTP, वो क्या हो जाएगा, H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर 11.2 जो है इनटू x वो क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हो गया, और यहाँ पर x क्या लिया था हमने, x लिया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, ठीक है। सो यहाँ से देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया हमारे पास, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 × x का था मोलरिटी का, ठीक है, सो 11.2 × मोलर। ओके सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर मुझे H2O2 का निकालना है तो हमें उसका मोलरिटी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें H2O2 का मोलरिटी पता है उसे 11.2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं कि मान लो हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है और मोलरिटी निकालना है, तो ऑब्वियसली 11.2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। इसके अलावा नॉर्मलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर n फैक्टर जो है हमारे पास क्या होता है, अब देखो मोलरिटी और नॉर्मलिटी में भी रिलेशन, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन होता है यार,
चलो वो भी बता देते हैं, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन क्या है। हमने कल तुम्हें रिलेशन बताया था एंड फैक्टर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का बताया था ना, एंड फैक्टर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का रिलेशन कल बताया था, ठीक है। अभी हम तुम्हें मोलरिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन भी बता देते हैं, पहले ही लिख लो। यस करना, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। देविका ये जस्ट डेफिनेशन था, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एनटीपी पर कितना है वो हम मेजर कर सकते हैं, तो एनटीपी कंडीशन लगाएंगे और वहां पर ऑक्सीजन कितना आ रहा है वो मेजर कर लेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग मतलब इसको डिफाइन किया गया। मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो क्या हो गया, गैस का वॉल्यूम ना, तो O2 का वॉल्यूम हमें इस तरह से पता चल जाएगा एनटीपी कंडीशन पर। यूनिट तो क्या 11.2 मोलरिटी ना, सो जो मोलरिटी का यूनिट है वो इसका यूनिट होगा। जनरली इसका यूनिट कुछ नहीं बोलते, जस्ट VOL लिख देते हैं, वॉल वॉल्यूम स्ट्रेंथ को क्या बोल देते हैं, वॉल। जैसे मान लो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है अपने पास 1.12, तो या तो बोल देंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 1.12 या फिर 1.12 वॉल। ओके, सो 11.2 मोलरिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया सबका ना। अब देखो इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी भी लिखा जा सकता है, बट उससे पहले मोलरिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन देखो क्या होता है। तो नॉर्मलिटी क्या था, याद आया, नॉर्मलिटी जो है ये था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही था ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही था। नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर लिख सकते हैं ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम क्या हो गया,
नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम क्या हो गया, मोलरिटी ना. सो नॉर्मलिटी क्या आया, नॉर्मलिटी आ गया मोलरिटी इंटू एन. तो अगर हमें किसी का मोलरिटी दिया है और नॉर्मलिटी निकालना है तो क्या करेंगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर कर देंगे. सुना है? तो यहाँ पर भी देखो, ये जब हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमारे पास आया है 11.2 इंटू मोलरिटी. तो अगर हमें मोलरिटी को नॉर्मलिटी से रिप्लेस करना है तो यहाँ पर मोलरिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर, और इसका जो एन फैक्टर है H2O2 का वो होता है 2. H2O2 का एन फैक्टर क्या है, 2 है. ठीक है. सो जब हम यहाँ पर नॉर्मलिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो ये आ जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी. ठीक है. सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो है वो नॉर्मलिटी के टर्म्स में ये हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली मोलरिटी के टर्म्स में क्या है, 11.2 इंटू मोलरिटी. सो बेसिकली अगर हमें मोलरिटी या नॉर्मलिटी पता है H2O2 का, तो हम H2O2 का क्या बता सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता सकते हैं. या फिर अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है तो उस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को यूज करके हम मोलरिटी या नॉर्मलिटी बता सकते हैं. ओके, तो लिखो फिर आगे चलते हैं. सर वाई ओनली H2O2, क्योंकि H2O2 का एक क्वेश्चन है राज. H2O2 के जो क्वेश्चन है, H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें दिया है क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई हम ये वाला पार्ट करा रहे हैं. H2O2 के लिए इस टाइप से डिफाइंड है. यही तो क्वेश्चन है बुकलेट में जिसमें H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है. तन्वी, दिस इज सेकेंड पेज. राइल आज हो जाएगा खत्म. साई, वी हैव टू ओनली स्टडी फॉर H2O2. तो सर 5.6 कैसे आया, ये मोलरिटी जो है, इस मोलरिटी को तुम क्या लिखोगे, इसको लिखोगे नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर क्या है, 2 है. तो ये कैंसिल आउट होगा तो ये क्या आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा ना. समझाए? तो साहब मोलरिटी की जगह क्या लिखा, नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर इसका क्या है, 2 है. तो ये 5.6 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया 11.2. मानस, उसमें दो पार्ट है, कहीं ना कहीं होगा, रिडॉक्स रिएक्शन नाम से होगा या वॉल्यूमेट्रिक के नाम से. एक्चुअली ये मोल कॉन्सेप्ट के टाइप स्टार्टिंग में ही है, मोल कॉन्सेप्ट में ही दिया हुआ है इन लोगों ने, मोल कॉन्सेप्ट 1-2 ऐसा करके आए थे. तो इसको मोल कॉन्सेप्ट 2 भी बोल देते हैं एक्चुअली, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को मोल कॉन्सेप्ट का एडवांस वर्जन है. राइल 1, 2, and 3 जो है वो होम असाइनमेंट जो है अपने मेंस लेवल के हैं. होम असाइनमेंट 4 के काफी क्वेश्चन जो है एडवांस लेवल के हैं.
चले आगे। हाँ यस वैष्णवी, हम वर देंगे आज। आज एक्चुअली चैप्टर हम मतलब मेन वाला सिलेबस हम खत्म कर देंगे, एडवांस वाला हम तुम्हें नहीं कराएंगे, उसकी जरूरत नहीं। तो आज होमवर्क भी दे देंगे तुम्हें। रिडॉक्स टाइट्रेशन में हमारे पास टोटल तीन टाइप के टाइट्रेशन होते हैं, तो एक टाइट्रेशन मेन लेवल में आपकी है, बाकी दो टाइट्रेशन जो है एडवांस लेवल में, तो दो एडवांस लेवल वाली टाइट्रेशन वो नहीं कराएंगे। ठीक है, चले आगे। यस राइट, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा। तो नाउ तन्वी, पूरा कराने की जरूरत नहीं है, जितना आप सिलेबस में उतना हम तुम्हें बता देंगे होमवर्क करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। जीरो पॉइंट थ्री फोर ग्राम ऑफ H2O2 is dissolved in water to form 500 ml solution determine volume strength of H2O. देव एंड रिया करेक्ट है।
वैष्णवी करेक्ट है, तन्मय करेक्ट है, शिवम करेक्ट है, राइल करेक्ट है। आदित्य करेक्ट है। साक्षी करेक्ट है। भव्या करेक्ट है। ठीक है चलो देखो, तो कराते हैं। तो 0.34 ग्राम ऑफ H2O2 इज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है H2O2। अब H2O2 के वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए या तो उसका मोलरिटी पता हो या नॉर्मलिटी पता हो। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर मोलरिटी निकाल सकते हैं। सो मोलरिटी क्या होगा, तो वेट आ गया 0.34 डिवाइड बाय मोलार मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। H2O2 का मोलार मास क्या है, 34 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब यहाँ पर ml में दिया तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000। ठीक है, तो ये कितना आ गया, दिस इज 0.02। तो हमारे पास मोलरिटी आ गया H2O2 का। ना मोलरिटी पता है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा, इट इज 11.2 इंटू मोलरिटी, क्या आ गया 0.224। क्लियर है सभी को? सो दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। जनरली यूनिट नहीं लिखते हैं राहिल, बाकी कई जगह हो सकता है तुम्हें ये VOL लिख के मिले। ठीक है, 0.224 VOL, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 0.224 या 0.224 VOL। ठीक है, नाउ क्वेश्चन करो। होम असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 करो। होम असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 7।
ट्रायल इक्वेशन की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलमोस्ट, एक तरह से जो रिक्वायर्ड है ना वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यार मोल्स निकालने थे ना हम, वेट को मोलार मास से डिवाइड किया, 34 इज मोलार मास ऑफ H2O2। मोलरिटी निकालना, तो मोलरिटी के लिए मोल्स चाहिए ना। सत्यम, ईशान, राहिल करेक्ट है, राजदीप करेक्ट है, यह सत्यम करेक्ट है, तन्मय करेक्ट है, वैष्णवी करेक्ट है,
तो चलो कराते हैं। तो देखो क्या है, तो हमें यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि H2O2 जो है इट इज रिड्यूस रैपिडली बाय SN2 पॉजिटिव टू फॉर्म SN4 पॉजिटिव एंड H2। मतलब H2O2 जो है ना, इसका रिएक्शन किया गया है SN2 पॉजिटिव के साथ, एंड फिर SN2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हुआ है तो H2O2 जो है वो रिड्यूस होकर H2O में चला गया और SN2 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज होकर SN4 पॉजिटिव। ठीक है, अब एक्चुअली उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि 100 ml ऑफ H2O2 हमारे पास है। H2O2 कितना है? 100 ml। ओके, इट्स रिड्यूस कंप्लीटली बाय 50 ml ऑफ SnCl2। नाउ SN2 पॉजिटिव इज SnCl2। ओके, SnCl2 में Sn क्या है? SN2 पॉजिटिव, मतलब जो SnCl2 बोल रहा है एक्चुअली SN2 पॉजिटिव वाला है। तो ये हमें दिया है 0.2 मोलार एंड इसका वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम इज गिवन एज 50 ml। ओके, नाउ n फैक्टर क्या होगा दोनों का? तो देखो ये प्लस 2 से प्लस 4 जा रहा है एंड ये H2O2 जो है उसमें ऑक्सीजन माइनस 1 है और ये H2O में ऑक्सीजन माइनस 2 है, तो माइनस 1 से माइनस 2। तो n फैक्टर क्या होगा? तो n फैक्टर देखो H2O2 का चेंज कितना हुआ, H2O2 का जो चेंज है वो 1 का हुआ और नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो n फैक्टर 2 आ गया। इसके अलावा SN2 पॉजिटिव SN4 पॉजिटिव में गया तो चेंज कितना है? 2 है ना, तो इसका n फैक्टर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज 2 है और नंबर ऑफ एटम्स 1 है। नाउ दोनों के इक्वलेंट जो है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, दोनों के इक्वलेंट सेम होने चाहिए। नाउ अगर मैं बोलता हूँ कि इसका मोलरिटी मान लो x है, इसका मोलरिटी क्या है? x है, तो नंबर ऑफ इक्वलेंट क्या हो जाएंगे H2O2 के? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये मिलीमोल्स हो गए, इंटू n फैक्टर करेंगे तो इक्वलेंट आ गया। सिमिलरली दूसरे का क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा यार, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0.1। ओके, सो H2O2 का जो मोलरिटी है वो क्या आ गया? 0.1 आ गया। ओके, H2O2 का मोलरिटी 0.1 आ गया तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा यार? वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा 11.2 इंटू मोलरिटी मीन्स 1.1। ओके, सो H2O2 का मोलरिटी जो है वो 0.1 है, उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या किया? 11.2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है सभी को? Yes, right. Number of equivalent is number of moles into n factor. तो उसी को हमने यूज किया है। एक तरह से number of moles, या मैं बोलूंगा number of millimoles हो गए, and ये इधर वाले number of millimoles, तो number of millimoles into n factor कर दिया तो मिल इक्वलेंट आ गया। दोनों साइड मिल इक्वलेंट को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन, सिंपल रिडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें एक है हमारे पास आयोडीमेट्री और एक होगा आयोडीमेट्री। पहले हम लिखेंगे आयोडीमेट्री। तो आयोडीमेट्री जो है इसमें क्या होता है, हमें I2 कितना है सॉल्यूशन में वो निकालना था। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में I2 का कितना मोल से I2 का कितना अमाउंट है वो हमें निकालना रहेगा। तो एक डायरेक्ट एस्टिमेशन, ठीक है, ये हमें देगा मेथड, एक मेथड है मेथड
estimate I2, your free I2, in solution. तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास I2 होता है सॉल्यूशन में. I2 जो है, अब इसका हम इस सॉल्यूशन का टाइट्रेशन हम कराते हैं एक्चुअली Na2S2O3 के साथ, जिसे हम हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो I2 का जो रिएक्शन हम कराएंगे Na2S2O3 के साथ, क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट है या हाइपो है. अब देखो क्या होता है, ये रिएक्शन जो है हम कराते हैं बेसिक मीडियम में. कौन से मीडियम में रिएक्शन होती है? बेसिक मीडियम में. तो जो Na2S2O3 वो बेसिक मीडियम में किसमें जाता था, याद आया? ये जाता था Na2S4O6. किसमें जाता था? Na2S4O6 में. इसके अलावा अब देखो ये जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पर सल्फर जो है क्या हुआ, ऑक्सीडाइज प्लस टू से प्लस फाइव आई टू चला गया. तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया तो आई टू क्या होगा, रिड्यूस होगा. तो आई टू जो है वो रिड्यूस होकर माइनस वन में चला जाएगा ना. आयोडीन का कितना यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो माइनस वन में चला जाएगा, तो वो बनाता है एन ए आई, जहाँ पर उसका माइनस. तो आयोडीन जीरो से माइनस में चला गया, रिड्यूस. ओके, नाउ एन फैक्टर क्या है भाई? तो दोनों का एन फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो आई टू का एन फैक्टर क्या आएगा, जीरो से माइनस हाफ का वन का चेंज, नंबर ऑफ एटम्स टू, सॉरी जीरो से माइनस वन नॉट माइनस हाफ. तो जीरो से माइनस वन मतलब वन का चेंज इंटू आई टू के में कितना आयोडीन आइटम है, दो. तो एन फैक्टर क्या आ गया, टू. इसके अलावा एन ए टू एस टू ओ थ्री का क्या होगा, एन फैक्टर कितना चेंज हुआ, एन ए टू एस टू ओ थ्री का चेंज कितना है, हाफ. और सल्फर के कितने आइटम है, सल्फर के आइटम्स हैं दो, तो कितना आ गया, वन आ गया. ठीक है, तो आई टू का एन फैक्टर टू है और एन ए टू एस टू ओ थ्री का एन फैक्टर वन है. तो यहाँ पर हमें Na2S2O3 का मान लो नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम दे दिया, कुछ भी दिया जा सकता है, उससे मोलरिटी दे दे, मैं जस्ट मान रहा हूँ कि नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम दे दिया. तो बेसिकली हमें इक्विवेलेंट दे दिए है ना. तो नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 होगा या नहीं होगा. नाउ नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दोनों पता है Na2S2O3 के, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आ गया, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम आ गया ना. ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 मिल जाएगा हमें, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 क्या आ गया, जो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 होगा, मतलब N इंटू. तो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आई टू मिल गया. तो आई टू के इक्विवेलेंट मिल गए तो उससे मोल्स भी निकाल सकते हैं ना, अगर इक्विवेलेंट पता है तो मोल्स आ जाएंगे ना. ठीक है, चलो पहले लिख लो फिर आगे कराते हैं. V is volume, obviously. Yes, I normal and normality or V volume is the Na to S to O three. Rahil, बाकी का change नहीं हो रहा है oxidation number, बस sulfur का change हो रहा है. यस शुभ, ये तो जस्ट हम एक तरह से एग्जांपल ले रहे हैं, हम शुभ एक तरह से एग्जांपल ले रहे हैं, काइंड ऑफ एग्जांपल ये है कि हमें नॉर्मलिटी और वॉल्यूम जो Na2S2O3 का दिया है और उसको यूज करके I2 जो है उसका अमाउंट निकालने ऐसे मोल्स वगैरह का, समझाया? तो मतलब जरूर नहीं एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड आ सकता थोड़ा. ओके, सो Na2S2O3 का यूज करके अगर I2 हमें निकालना है तो इस टाइट्रेशन को हम बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, मतलब ये टाइट्रेशन प्रैक्टिकली जब की जाती है तो उस टाइट्रेशन में हम बोलते हैं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन.
यस राहिल, लास्ट लेक्चर में बताया था ना, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के तीन फॉर्मूले बताए थे लास्ट लेक्चर में. एक था राहिल वेट बाय इक्विवेलेंट मास, एक था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और एक था नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम. रिया, तो मैंने जैसा भी बताया रिया कि आयोडोमेट्री जो आयोडीमेट्री जो है, इसमें क्या है कि हमें Na2H2O3 का कुछ नॉर्मलिटी वॉल्यूम या मोलरिटी वॉल्यूम इस टाइप का कुछ भी दिया जा सकता है. तो Na2H2O3 का अमाउंट दिया जाएगा और I2 का अमाउंट को पूछ सकता है. I2 का मोल्स भी पूछ सकता है एंड वेट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है. यस देविका, Na दोनों साइड कंबाइंड स्टेट में है ना, तो जब Na कंबाइंड स्टेट में होता है सोडियम तो उसका प्लस वन रहता है. जैसा मैंने रूल्स में भी लिखवाया था कि एल्कली मेटल्स का प्लस वन रहता है, याद हो तो. ओके, सो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, हमें मिल गया यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आई टू, जो कि क्या आया, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम आ गया. अब देखो इक्विवेलेंट आ गए है ना, अब हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं आई टू के, ऑब्वियसली मोल्स निकाल सकते हैं. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर है ना, ठीक है. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आया, एन इनटू वी आ गया. तो ये क्या हो गया, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर. ओके, ऑब्वियसली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके है, आई टू के ना. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई टू इनटू इसका एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम. व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ आई टू, एन फैक्टर ऑफ आई टू क्या है, 2 आया ना. ओके, सो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई टू इज इक्वल टू क्या हो गया, एन वी अपॉन एन फैक्टर. और एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर है 2, ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स आगे, मान लो आई टू का वेट निकालना है कि सॉल्यूशन में कितना आई टू है, तो वो भी निकाल सकते हैं. वेट ऑफ आई टू क्या हो जाएगा फिर, ऑब्वियसली मोल्स आ गए तो उसे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मोलार मास से कर, ठीक है. सो क्वेश्चन में क्या निकालना है देख लो. ओके, तो ये जस्ट एक तरह से काइंड ऑफ क्वेश्चन ही हो गया हमारे पास कि हमें Na2H2O3 का क्या दिया है, Na2H2O3 जो है उसका हमें मान लो नॉर्मलिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी वॉल्यूम दिया है, और उसको यूज करके तुम I2 के मोल्स निकाल रहे हो या I2 का वेट निकाल रहे हो, ठीक है. तो एक तरह से क्वेश्चन ही हो गया. ओके, सो ये वाली जो टाइट्रेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है. कुछ नया कॉन्सेप्ट हमने नहीं किया, कुछ नया किया कि नहीं किया ना, दोनों के इक्विवेलेंट को क्या किया, इक्वेट किया. हमें एक तरह से इसका नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम दिया है, तो नॉर्मलिटी वॉल्यूम दिया मतलब इक्विवेलेंट पता है, तो इसके इक्विवेलेंट पता है, तो इसके इक्विवेलेंट से इसके इक्विवेलेंट आ गए ना, आई टू के इक्विवेलेंट आ गए तो इसके मोल्स भी आ जाएंगे बिकॉज एन फैक्टर पता है. ओके, और मोल्स आ गए तो वेट भी निकाल सकते हो. तो क्वेश्चन में क्या दिया वो देखो, V was volume of Na2H2O3 solution and N was its normality.
सो इट इज ओनली फॉर आयोडीन, आयोडीमेट्री है ना, तो आयोडीन के लिए ही है। बाकी ये वाला मेथड इस तरह से तो हर एक क्लिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कौन, मतलब बेसिकली मेथड कोई नया तो लेके आ नहीं रहे, मेथड तो वही सेम ही है ना यार, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वेट कर रहे हैं, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट थोड़ी लगा रहे हैं। बस इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन को जिसमें आई टू और एन ए टू एस टू थ्री रिएक्ट कर रहा है, इसको हम आयोडीमेट्री टाइट्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आयोडीन के बजाय अगर कोई और भी आएगा और बेसिक मीडियम रहेगा तो एन ए टू एस टू थ्री किस में जाएगा, एन ए टू एस फोर ओ सिक्स में जाएगा, ठीक है। तो वहां पर भी सेम इसी टाइप से यूज करेंगे। लिख लिया सबने? ठीक है, तो ये था हमारे पास आयोडीमेट्री। अब इसी टाइप से एक नेक्स्ट वाला टाइट्रेशन आएगा आयोडोमेट्री। यस आई ऑब्वियसली मोलार मास ऑफ आई टू क्या हो जाएगा, 254 हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आई टू के मोलार मास, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, एटॉमिक मास होता है 127, तो मोलार मास हो जाएगा आई टू का 254। ओके, तो ये हमारे पास था आयोडीमेट्री। और नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर आयोडोमेट्री। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बट ये दो स्टेप में होगी। आयोडोमेट्री जो है दो स्टेप में होती है, एक स्टेप यही रहेगा जो भी हमने कराया है, और एक दूसरा स्टेप रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें तो यह है एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका अमाउंट हमें निकालना है। वो कैसे निकालना है देखो, तो हमारे पास मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई ए है, ठीक है। ये मान लो कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका हम पहले रिएक्शन कराते हैं KI के साथ, हमारे पास KI रहता है, ठीक है, उसके साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है। तो ये A क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये KI को ऑक्सीडाइज करेगा, KI को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज, और ये ऑक्सीडाइज करके आयोडीन जो है I2 में चला जाता है। ओके, ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसने क्या किया, KI को ऑक्सीडाइज किया, और ऑक्सीडाइज होके आयोडीन किस में चला गया, I2। अब ये ऑक्सीडाइज हो गया KI, तो A जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ना। ओके, तो प्लस हमारे पास आ जाएगा रिड्यूस फॉर्म ऑफ A। ओके, तो पहला स्टेप ऐसा होगा, मतलब कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका KI से रिएक्शन करा जाएगा, उस KI से क्या बनेगा, ऑब्वियसली I2 बन जाएगा, क्योंकि आयोडीन जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आयोडीन ऑब्वियसली कहां से कहां गया, -1 से 0 में गया, ठीक है। तो आयोडीन ऑक्सीडाइज हो गया एंड साथ में आ गया रिड्यूस फॉर्म ऑफ A, A रिड्यूस हो गया। अब ये जो आयोडीन निकला है ना फर्स्ट रिएक्शन में, इसका हम आगे रिएक्शन कराएंगे सेम वही वाला जो भी किया था, मतलब इसका रिएक्शन हम कराएंगे I2 प्लस Na2S2O3 वाला, ठीक है। तो ये जो आयोडीन यहाँ से निकला, इस आयोडीन का रिएक्शन कराएंगे हम Na2S2O3 के साथ, और उसकी वजह से हमें मिलेगा NaI प्लस Na2S4O6। ओके, तो यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +5/2 है, एंड एन फैक्टर ऑब्वियसली दोनों आयोडीन, मतलब ये आयोडीन का पता है तुम्हें क्या है, इस आयोडीन का एन फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि चेंज 1 का और नंबर ऑफ एटम्स 2, इसका एन फैक्टर क्या आएगा, चेंज हाफ का है, एंड नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 2 है, तो 1 आ गया। इसके अलावा इस वाली आयोडीन का एन फैक्टर क्या है, ये 0 और ये -1 है ना, तो चेंज कितने का, 1 का, एंड नंबर ऑफ एटम्स I2 में आयोडीन के कितने, 2। तो ये दोनों आयोडीन जो है, मतलब ये वाली I2 और ये वाली I2, दोनों I2 का क्या एन फैक्टर सेम ही है, ठीक है। अब देखो हमें क्या है, हमें यहाँ पर इस Na2S2O3 का अमाउंट दिया जाएगा,
इस Na2SO3 के अमाउंट से हमें इसका अमाउंट निकालना है। ओके, तो मान लो हमें इसका मोलरिटी दिया है M और वॉल्यूम दिया है V। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में या लास्ट वाले एग्जांपल में हमने नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम लिया था ना, तो इसमें हम मोलरिटी एंड वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, मान लो हमें Na2SO3 का क्या दिया है, मोलरिटी दिया है एंड वॉल्यूम दिया है। उस Na2SO3 के मोलरिटी एंड वॉल्यूम को यूज करके हमें ए जो है उसका अमाउंट निकालना है। ओके, हमें क्या दिया है, हमें दिया है Na2SO3 का मोलरिटी एंड वॉल्यूम, इसको यूज करके ए जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए जो है उसका अमाउंट हमें निकालना है। कितना है हमारे पास? यस ऑब्वियसली आ गया, वही मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट रिएक्शन में जो I2 निकला है ना, उसी I2 को सेकंड स्टेप में या सेकंड रिएक्शन में यूज किया है। ठीक है, तो देखो इसका हमें मोलरिटी वॉल्यूम पता है, मतलब मोल्स पता चल जाएगा ना, तो इसके मोल्स से इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे कि Na2SO3 के एन फैक्टर पता है, आ जाएंगे ना। नाउ इसके इक्विवेलेंट आ गए, तो इसके इक्विवेलेंट से I2 के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ओके, इस I2 के इक्विवेलेंट से इस I2 का मोल्स आ जाएगा। ओके, तो सेकंड रिएक्शन में कितना I2 है, I2 के कितने मोल्स है वो मिल जाएंगे। तो अगर I2 के मोल्स मिल गए तो उतने ही मोल्स फर्स्ट रिएक्शन में बने होंगे, है कि नहीं? जितने मोल फर्स्ट रिएक्शन में बने उन्हीं को तो हम नेक्स्ट वाली रिएक्शन में यूज कर रहे हैं। तो अगर सेकंड रिएक्शन में I2 के मोल्स पता चल गए तो उतने ही मोल्स किस में होंगे, फर्स्ट रिएक्शन में भी होंगे। अगर हमें फर्स्ट रिएक्शन में I2 के मोल्स पता चल गए तो उस फर्स्ट रिएक्शन में इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं I2 का। क्यों? क्योंकि एन फैक्टर पता है। अब अगर हमें I2 के फर्स्ट रिएक्शन में इक्विवेलेंट पता चल गए तो एक इक्विवेलेंट भी पता चल जाएंगे क्या, क्योंकि पर्टिकुलर रिएक्शन में इक्विवेलेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। तो I2 के इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे और एक इक्विवेलेंट से उसके मोल्स पता चल जाएंगे, या फिर अगर हमें उसका अमाउंट निकालना है, वेट निकालना है, तो वेट भी पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मोलरिटी एंड वॉल्यूम से क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, पहले मोल्स निकाल लेते फिर इक्विवेलेंट निकाल लेते। तो मोल्स ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO3 क्या हो गया, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है Na2SO3 का तो क्या होगा, एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर 1 है ना, Na2SO3 का एन फैक्टर क्या है, 1। तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, अदरवाइज फटाक से हो जाएगा, तुरंत कर सकते हो तुम। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO3 क्या होगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर इज 1, तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया Na2SO3 के। नाउ अब Na2SO3 के इक्विवेलेंट आ गए तो I2 के क्या हो जाएंगे भाई, I2 के इक्विवेलेंट क्या होंगे, ऑब्वियसली सेम इतने होंगे ना, बिकॉज पर्टिकुलर रिएक्शन में सभी के इक्विवेलेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जितने इक्विवेलेंट Na2SO3 के होंगे उतने इक्विवेलेंट किसके होंगे, I2 के होंगे। ओके, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन सेकेंड रिएक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा M into V। ठीक है, अभी इक्विवेलेंट आ गए, हमें निकालना है मोल्स पहले। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन में मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इन सेकेंड रिएक्शन क्या आएगा, मोल्स बाय इक्विवेलेंट बाय एन फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमें मिल गए, डिवाइड बाय एन फैक्टर किया जो कि क्या है, 2 है। ओके, सो ये हमें सेकंड रिएक्शन में I2 के क्या मिल गए, मोल्स मिल गए। ओके, सो सेकंड रिएक्शन में I2 के मोल्स आ गए। नाउ अब मोल्स आ गए सेकंड रिएक्शन में, तो इतने मोल्स ऑब्वियसली फर्स्ट रिएक्शन से गए होंगे, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2
इन फर्स्ट रिएक्शन क्या आएगा, सेम इतना ही आ जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन में आई टू के मोल्स मिल गए। नाउ फर्स्ट रिएक्शन में आई टू के इक्विवेलेंट क्या होंगे, इन फर्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, मोल्स निकालने, सॉरी मोल्स से इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर करें। नाउ व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ आई टू इन फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन में आई टू के हमें मोल्स पता है, उसका इक्विवेलेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर करेंगे। एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर टू ही है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा अभी। ओके, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सॉरी इट इज एम ना, तो एन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स थे, इनटू एन फैक्टर करेंगे जो कि टू है, तो टू से टू कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उतने ही आ गए जितना सेकंड रिएक्शन में था। ओके, सेकंड रिएक्शन में भी आई टू के इक्विवेलेंट कितने थे, एम इनटू वी थे, तो सेम उतने इक्विवेलेंट फर्स्ट रिएक्शन में भी आ गए। क्यों आए ये सेम, क्योंकि दोनों रिएक्शन में जो एन फैक्टर है ना आई टू का, वो क्या है, सेम। ओके, तो अगर दोनों रिएक्शन में सेम है तो मैं, अगर मोल्स हमारे पास सेम है तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट भी सेम ले ही सकते हैं क्योंकि एन फैक्टर क्या है, सेम। हाँ, तो अभी आई टू के हमें फर्स्ट रिएक्शन में इक्विवेलेंट मिल गए, तो आई टू के इक्विवेलेंट जितने उतने ही एक इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं होंगे यार, पर्टिकुलर रिएक्शन में हर एक के इक्विवेलेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर हमें आई टू के इक्विवेलेंट मिल गए तो इतने इक्विवेलेंट क्या आ जाएंगे, ए के आ जाएंगे। ओके, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए क्या आएगा, इट इज एम वी। ओके, अगर हमें इक्विवेलेंट पता चल गया तो मोल्स क्या आएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या आ जाएगा बताओ, इक्विवेलेंट से मोल्स कैसे निकालें, डिवाइड बाय एन फैक्टर करके, तो उसका कुछ एन फैक्टर रहा होगा उससे डिवाइड कर दें। क्लियर है क्या, ठीक है, तो इस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे। अभी ऑब्वियसली मोल्स आ गए, अगर तुम्हें वेट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, मोलर, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया है। ओके, तो कुछ अलग नहीं है, सेम वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है ना, तो एक तरह से ये सीरीज रिएक्शन टाइप हो गई, यहां पर क्या हो गई है, काइंड ऑफ सीरीज रिएक्शन हो गई है। ओके, तो सीरीज रिएक्शन जैसा हो गया, सेकेंड रिएक्शन में हमें इक्विवेलेंट पता है या मोल्स पता है किसके, Na2H2O3 के, है ना, मोलरिटी एंड वॉल्यूम दिया मतलब मोल्स पता है, तो मोल्स से क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, इसके इक्विवेलेंट से I2 के इक्विवेलेंट आ गए सेकेंड रिएक्शन में, नाउ I2 के इक्विवेलेंट आ गए तो मोल्स निकाल लेंगे, I2 के मोल्स से फर्स्ट रिएक्शन में I2 के मोल्स निकाल लेंगे, फिर फर्स्ट रिएक्शन में I2 के मोल्स से फर्स्ट रिएक्शन में I2 के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, जितने इक्विवेलेंट I2 के होंगे उतने इक्विवेलेंट A के होंगे, तो A के इक्विवेलेंट आ गए तो ऑब्वियसली बाद में हम A का मोल्स निकाल लेंगे। क्लियर है, तो ये जो है ये आयोडोमेट्री। ओके, आयोडोमेट्री जो है एक स्टेप वाला है और आयोडोमेट्री जो है वो दो स्टेप वाला है, दोनों में एक स्टेप जो है कॉमन है। देवी का इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, मैंने क्या डिटेल में तुम्हें हर स्टेप का बताया, दैट्स व्हाई तुम्हें लंबा लग रहा है, अदरवाइज बहुत इजी है, बहुत फटाक से आ जाएगा। यस राहिल, मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी भी दिया जा सकता है।
चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नाउ होम असाइनमेंट थ्री का क्वेश्चन नंबर एक करो। होम असाइनमेंट थ्री क्वेश्चन नंबर एक। यस राहिल, तन्मय फिर से चेक करो, आई थिंक रॉन्ग है। ईशान करेक्ट है। राहिल करेक्ट है।
राजदीप का लगता है। Yes, sir, now it is correct. तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो H2O2 जो है वो 10 ml हमने लिया है, टू सार रॉन्ग है। तो 10 ml H2O2 जो है उसको हमने रिएक्ट कराया एसिडिफाइड KI के साथ। तो हमारे पास KI जो है एक्सेस में है, ओके। H2O2 जो है उसका हमने KI से रिएक्शन कराया। अब देखो आगे वो क्या बोल रहा है कि द आयोडीन लिबरेटेड, मतलब इस रिएक्शन में क्या आयोडीन निकला है। ओके, इस रिएक्शन में क्या आयोडीन निकला है। तो आयोडीन निकला है तो ऑब्वियसली आयोडीन जो है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ तो H2O2 जो है वो क्या हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा। तो -1 से रिड्यूस होकर H2O2 किस में जाएगा, -2 में जाएगा ना ऑक्सीजन, मतलब वो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, तो -1 से -2 में जाएगा। अब ये I2 जो है निकला है, इसका रिएक्शन किया गया किसके साथ, इसका रिएक्शन किया गया Na2H2O3 के साथ। तो हमें पता है यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है NaI plus Na2H4O6। ओके, तो N फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये देखो, ये पहले हमने बता दिया तुम्हें, ये +2 से +5/2 जाता है और ये -1 है। तो दोनों आयोडीन का N फैक्टर क्या है, 2 है। दोनों आयोडीन का इन्फेक्टर टू, इसके अलावा Na2H2O3 का कितना है, इसका इन्फेक्टर 1 है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एंड H2O2 का इन्फेक्टर क्या है यार, H2O2 का देखो -1 से -2, तो 1 का चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो इसका इन्फेक्टर 2 है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर Na2H2O3 का क्या दिया है, अमाउंट दिया है, क्या दिया भाई, उन्होंने बोला 0.1 मोलार है और 20 ml है। तो 0.1 मोलार एंड 20 ml, तो कितना हुआ ये, दिस इज 2 मिलीमोल्स का, ओके, 20 ml 0.1 मोलार कितना हो गया, 2 मिलीमोल हो गया ना। अब 2 मिलीमोल हुआ तो कितना मिली इक्विवेलेंट होगा, n फैक्टर 1 है ना, तो 2 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखो Na2H2O3 का 2 मिली इक्विवेलेंट आया, तो I2 का मिली इक्विवेलेंट क्या आएगा, सेम आ जाएगा ना, 2 मिली इक्विवेलेंट, बिकॉज दोनों के इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। अब ये इक्विवेलेंट आ गए I2 के, एन फैक्टर हमें 2 दिया है, Yeah।
ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, बट फिर भी अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करोगे? दैट्स व्हाई मैं ये पूरा बता रहे तुम्हें। तो 0.1 मोला 20 मिलीमोल, सॉरी 20 मिलीलीटर मतलब 2 मिलीमोल आया, तो 2 मिलीमोल से ऑब्वियसली इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 मिली इक्विवेलेंट आ गए इससे, तो इसके इक्विवेलेंट आ गए, इसके इक्विवेलेंट से इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे I2 के। नाउ आयोडीन का एन फैक्टर क्या है? 2 है। ओके अच्छा, दोनों जगह अगर एन फैक्टर सेम है तो हम डायरेक्टली क्या है, इक्विवेलेंट सेम कर सकते हैं ना। तो इस रिएक्शन में अगर 2 मिली इक्विवेलेंट है तो इस रिएक्शन में भी क्या आएगा, 2 मिली इक्विवेलेंट आएगा। ओके दोनों जगह I2 का 2 मिली इक्विवेलेंट। अब I2 का 2 मिली इक्विवेलेंट है तो H2O2 का कितना होगा, इसका भी 2 मिली इक्विवेलेंट होगा। अब 2 मिली इक्विवेलेंट होगा तो N फैक्टर क्या है, N फैक्टर 2 है ना, तो N फैक्टर 2 है तो क्या आएगा, 1 मिलीमोल हो जाएगा। ओके तो 1 मिलीमोल आ गया हमारे पास H2O2 का, तो H2O2 का 1 मिलीमोल आ गया। नाउ उस H2O2 के मिलीमोल से हम उसका मोलरिटी निकाल सकते हैं। ओके तो कितना आएगा, सो अगर हम इसका मोलरिटी x मान ले, x मोलरिटी मान ले, और वॉल्यूम कितना दिया इसका, 10 ml दिया, ठीक है। सो 10 इंटू एक्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, तो x की वैल्यू क्या आई, 0.1 आ गई। तो हमारे पास मोलरिटी जो है H2O2 का क्या हो गया, 0.1। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगा 0.1 इंटू 11.2, कितना आ गया ये, 1.12 आया ना। ओके तो इस टाइप से हमारे पास आयोडोमेट्री का यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर आयोडोमेट्री भी यूज हो रहा है और ऑब्वियसली वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी यूज हो रहा है, दोनों कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें, ठीक है। सो इतना पार्ट जो है हमारे सिलेबस में आयुष, डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने हमने बताया था ना, वही वाला फॉर्मूला क्या बताया था अभी हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मोल एम वी बाय एन फैक्टर ना। तो एम वहां पर क्या था, मोलरिटी था N2H2O3 का, और वी क्या था, वॉल्यूम था। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें H2O2 के मोल्स मिल जाएंगे। ओके तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, हमें जो H2O2 का 1 मिली मोल मिला ना, वो डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा के भी मिल सकता है। अरे यार मोलरिटी क्या है, फॉर्मूला एम वी बाय एन फैक्टर है ना, तो मोलरिटी क्या है, मोलरिटी 0.1 इंटू 20 डिवाइड बाय 2, कितना आया ये, 1 मिलीमोल आ गया ना, तो सेम आ रहा है ना, ये देखो सेम आ रहा है। यस सही, बैक टाइट्रेशन एंड डबल टाइट्रेशन जो है एडवांस के लिए ही है। ओके सो दैट्स इट, नाउ होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क जो है होम असाइनमेंट 1, 2 और 3 तो रहेगा, इसके अलावा होम असाइनमेंट 4 जो है उसके कुछ क्वेश्चन तुम ले सकते हो। तो होम असाइनमेंट 4 के फाइव सेवन
8, 9, 10, 12, 13, 14, ठीक है। सो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, होम असाइनमेंट 1, 2, 3 पूरा, इसके अलावा होम असाइनमेंट 4 का 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14। गैट इक्विप्ड का भी बताएं, एक मिनट गैट इक्विप्ड का भी बता देते हैं। गैट इक्विप्ड वाले पार्ट का, गैट इक्विप्ड आईटीआई का वन, टू भी है, थ्री भी कर सकते हो, फोर भी कर सकते हो, तो 1, 2, 4 देन 5 रहने दो, 6 कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 8 रहने दो, 9 हो सकता है, 10 भी, 11 भी, 12 भी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। सो ये इतना तुम्हारा पूरा चैप्टर में होमवर्क। ओके अभी चैप्टर्स जो हैं, होम असाइनमेंट 4 पूरा नहीं करना, सार्थक जितना हमने बताया उतना ही करना है। तो अभी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के 4-5 चैप्टर और बचे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट है, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। 4 चैप्टर बचे हैं। नेक्स्ट चैप्टर मोस्टली इलेक्ट्रो होगा, लेट्स सी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा आई थिंक मोस्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट वाला चैप्टर। ओके तो सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड 10 × 1 in previous question. Okay, 10 × 1 क्या है भाई, कहाँ आया 10 × 1 किधर आया रोहन, 10 × 1 किधर आया? टेन इंटू एक्स, अरे हमारे पास एक्स H2O2 का मोलरिटी है और 10 उसका वॉल्यूम है, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स, और यहां पर मिलीमोल्स होगा क्योंकि मिलीलीटर है। ठीक है, इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, यही 2 चैप्टर के बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके सो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, सो लेक्चर एंड करते हैं, बाय, टेक केयर।